हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी मैं लेकर आई हूँ जिसको यूज़ करने के बाद एक बार में ही आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। तो उसके लिए बाउल में सबसे पहले हमें मुल्तानी मिट्टी पाउडर ले लेना है। मुल्तानी मिट्टी को मैंने घर पे ही पीस रखा है और मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन की डलनेस को दूर करके हमारे चेहरे में एक नई जान डालने का काम करती है, साथ में हमारी स्किन को टाइट करती है और हमारी स्किन के जो पोर्स लार्ज हो जाते हैं उनको भी श्रिंक कर देती है। उसके बाद मैंने इसमें एक चम्मच गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा हमारी स्किन को अच्छे से स्क्रब कर देता है, एक्सफोलिएटर की तरह काम करेगा और हमारी स्किन से जितनी भी डेड सेल्स हैं, डेड स्किन है, सबको रिपेयर करने में और रिमूव करने में गेहूं का आटा बहुत ही कारगर है। उसके बाद कुछ ड्रॉप्स हम इसमें लेमन की ऐड कर लेंगे। ब्लीचिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं विटामिन सी, स्किन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। और अगर आपको सूट नहीं करता है लेमन तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था फ्रेंड्स दही। दही हमारी स्किन की एक रिपेयरिंग की तरह काम करती है, स्किन को टोन कर देती है और हमारे जो स्किन के पोर्स हैं उनको डीपली क्लींस कर देती है और फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, झुरियाँ हैं, ड्राइनेस है, सबको दूर कर देती है दही। उसके बाद मैंने पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी इसमें ऐड कर ली थी। स्किन ब्राइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल की तरह और एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है हल्दी। उसके बाद मैंने लिया थोड़ा सा गुलाब जल, एक अच्छा टोनर है, एक अच्छा क्लींजर है, स्किन को ठंडक देता है, मुहासों को भी रोकता है। ये सभी इन्ग्रीडियंट्स हमारी स्किन को इंस्टेंट ग्लोइंग बनाएंगे और हमारी स्किन की सारी डलनेस है जो भी उसको दूर कर देगा। ये फेस पैक सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है तब तक कि एक अच्छा गाढ़ा पेस्ट बनके तैयार ना हो जाए। और मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन पे बरसों से ही यूज़ की जाती है और मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के जो पिम्पल्स हैं, ऑयली स्किन है, उसको क्योर करने में भी काफ़ी हमारी हेल्प करती है और हमारी स्किन के जो दाग धब्बे हैं उनको लाइटन करने में ये पेस्ट काफ़ी बेस्ट काम करेगा। और ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है, आपको इसको अपने फेस पर लगा लेना है और 15-20 मिनट के लिए आपको रख लेना है अपने फेस पर जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए। और उसके बाद हमें गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पे जरूर लगाए, उससे हेल्दी रहती है स्किन हमारी। और इस पेस्ट को आप 3 या 4 बार वीकली अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंट आपको ग्लो मिलेगा, निखार मिलेगा और आपकी स्किन अगर लूज होती जा रही है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, डेड स्किन निकल जाएगी, आपकी स्किन के पोर्स टाइट हो जाते हैं, दाग धब्बे रिड्यूस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ झुरियाँ सबको रिमूव करने में ये फेस पैक बहुत ही अच्छा काम करता है। ऐसे ही रेमेडी के साथ आती हूँ। थैंक्स।